चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे ताव है या छोटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। थैंक क्या यू। बात है, क्या बात है, क्या बात है यार। शायरी कई सुरीले लोग, कई वाह सुरीले वाह लोग, वाह, इतने सुरीले सुरीले बच्चे यार इंडियन आइडल के, कमाल। मतलब ओए होए होए। तो अब पूछते हैं हमारे पवनदीप राजन, मेरे भाई क्या कैसे हो पवन रिश्ता, भाई। बढ़िया। नमस्कार, आप कैसे हो? आए हाय हाय हाय, क्या सुंदर लग रहे हो बाबा। अरे वाह 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 वाह। पवन दा कैसा लगा, मतलब अमिताभ सर से मिलके एंड वहां पर पहुंच के, मतलब फर्स्ट टाइम आज हमारा एपिसोड आने वाला है केबीसी का रात 9 बजे। तो ये अपना जो सपनों का बोलता है, हमने शो देखा बचपन से, देखते आ रहे थे, वहां पर जाके और वहां पे परफॉर्म करके कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामनाएं। और जैसा कि आज शुरुआत हुई है, और एक्सपीरियंस तो मैं क्या ही कहूँ। बचपन में मेरे को हमेशा, हम लोग केबीसी देखते थे सभी लोग परिवार के साथ बैठ के, तो मुझे ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं 50 लाख तक का सवाल तुक्का दे के बता दूंगा, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन में से कोई। तो फिर मेरे को बाद में पता चला, नहीं, इसमें ज्ञान बहुत जरूरी है, उसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो वो उस मंच पे गए, और घर वाले भी बोलते थे कि कभी केबीसी में जाना है, मैं तैयारी करता हूँ। पापा बोलते थे, तो वो सारी चीजें आंखों के सामने हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और अमित जी और अमिताभ बच्चन सर, मतलब कि हम क्या ही बोले, इतनी मूवीज इतने बचपन से उन्हें देख रहे हैं, और इतने बड़े सुपरस्टार हैं, हमारे सदी के महानायक हैं वो। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है उनके बिल्कुल। सामने होना ही, उपस्थित होना ही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, और उनके मुंह से अपने लिए शब्द सुनना ये उससे ही बड़ी बात थी। तो बहुत ज्यादा मैंने उसको एक सपने की तरह लिया। वो वक्त इतनी जल्दी बीता, मैं तो चाह रहा था कि उस वक्त में ठहर जाए थोड़ी देर, बट वो बहुत जल्दी बीतता गया। और आज तो वो एपिसोड भी आया।